नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने बताया कि रात 3 बजे इंद्री गांव के विधानसभा क्षेत्र में गढ़पुर टापू में बाढ़ का पानी भर जाने से मुस्तकीन एवं उसके 8 परिवार के सदस्यों को बाढ़ में फंसने की जानकारी मिली। तब उन्होंने उपायुक्त विनय प्रताप सिंह को तुरंत प्रभाव से परिवारों की मदद करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि गांव गढ़पुर टापू मुस्तकीन एवं 8 सदस्य परिवार को हेलीकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत यमुनानगर से की। यात्रा शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 बजे इंद्री विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़पुर टापू में बाढ़ का पानी भर गया था, जिसमें मुस्तकीन सदस्य परिवार के 8 लोगों के फंसने की जानकारी मिली थी। उन्होंने उपायुक्त विनय प्रताप सिंह को तुरंत प्रभाव से जानकारी दी और परिवारों की जान बचाने के लिए निर्देश जारी किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन लोहना भेड़ी के पास में सरस्वती नदी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कुरुक्षेत्र के उपायुक्त SYL पर बने साइफन को चौड़ा करने के निर्देश भी जारी किए और कहा कि जहां नदी स्क्रीन है उसे और चौड़ा कर मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरस्वती नदी के लिए राजस्व रिकॉर्ड में चिन्हित जमीन की रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश जारी किए। आप देख रहे हैं पल-पल की यमुना के पानी के कारण से आपके यहाँ फरोश नहीं टापुर विधानसभा का गांव है टापुर गलपुर टापुर और उसमें थोड़े से परिवार पानी चढ़ गया। रात को खबर मिली 12 बजे कि पानी ज्यादा चढ़ रहा है, आदमियों को बचाओ, सारा एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट हो गया। रात के 3 बजे हेलीकॉप्टर भेज करके और हेलीकॉप्टर से 9 लोग उठा करके बाहर निकल गए।